नमस्कार, महासंग्राम 2024 में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। कमलनाथ को लेकर जारी सियासी सस्पेंस अब खत्म होने की तरफ है। राहुल गांधी की यात्रा को लेकर हुई बैठक में कमलनाथ के शामिल होने के साथ ही 4 दिनों तक चले सियासी ड्रामे का पटाक्षेप होता दिख रहा है। इससे पहले सांकेतिक भाषा में सियासी संदेश का जो आदान प्रदान हुआ, उसने पार्टी और कमलनाथ के बीच सीजफायर में अहम भूमिका निभाई। राहुल गांधी की मध्य प्रदेश में होने वाली यात्रा को लेकर भोपाल में कांग्रेस की बैठक हुई। बैठक में कमलनाथ वर्चुअली जुड़े। इसी के साथ ही कमलनाथ को लेकर भोपाल से लेकर दिल्ली तक चला सियासी सस्पेंस खत्म होता दिख रहा है। कांग्रेस और कमलनाथ के बीच चली अंदरूनी खींचतान में जो सीज फायर नजर आ रहा है, उसके लिए पार्टी की नरमी और सख्ती की नीति कारगर साबित हुई। प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह ने छिंदवाड़ा से नकुलनाथ के चुनाव लड़ने का बयान देकर नरमी का संकेत दिया। माननीय कमलनाथ जी हमारे बहुत शीर्ष नेता हैं और उनका एक बहुत बड़ा योगदान कांग्रेस पार्टी का उनका रहा है। आज से नहीं, पिछले 40 साल से, संजय गांधी जी के समय से वो कांग्रेस को झंडा उठाते हुए कांग्रेस की लड़ाई, देश की लड़ाई वो लड़ रहे हैं, तो हमारे बहुत शीर्ष नेता हैं। एक तरफ पार्टी ने कहा कि नकुलनाथ चुनाव लड़ेंगे, लगे हाथ सख्ती दिखाते हुए जितेंद्र सिंह ने बागियों को संदेश भी दिया कि जिसको जहां जाना है जा सकता है, पार्टी के दरवाजे खुले हैं। जो अपने घर को, अपनी पार्टी को छोड़ के जाते हैं, कांग्रेस के नाम पर उनने वोट लिए हैं, कांग्रेस के पार्टी के पर उनने चुनाव लड़ा है, वो एक बहुत बड़ा दगा सिर्फ कांग्रेस पार्टी से ही नहीं, लेकिन जिन लोगों ने उनको चुन के भेजा है, चाहे वो मेयर हो, चाहे वो सरपंच हो, चाहे वो प्रधान हो, चाहे वो जिला पंचायत का हो, चाहे कोई एमएलए हो, वो एक बहुत बड़ा धोखा दे रहा है। हमारे दरवाजे खुले हैं, कोई भी लोग जाना चाहते हैं जो कांग्रेस की विचारधारा इस देश के लिए के एक लड़ाई से वो घबरा गए हैं, तो वो जा सकते हैं। इससे पहले कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच भोपाल में कांग्रेस ने एकजुटता दिखाने की कोशिश की, जिसमें विधायकों के शामिल होने पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने खुशी जाहिर की। इसी दौरान कमलनाथ के दिल्ली स्थित घर पर जय श्री राम का झंडा लगता और उतरता रहा, जिससे उनका सियासी संकेत माना गया। वहीं एमपी में कांग्रेस के प्रदर्शन के बैनर पोस्टर से कमलनाथ की तस्वीर हटाकर पार्टी ने भी एक संकेत दिया और आखिरकार अब प्रदेश कांग्रेस में सब कुछ सामान्य नजर आने लगा है। शैलेंद्र भदौरिया, न्यूज 18 भोपाल। तो जैसे ही कमलनाथ कांग्रेस की बैठक में शामिल हुए, पार्टी आत्मविश्वास से लबरेज हो गई। कल तक जो नेता कुछ भी कहने से बच रहे, अब बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। पार्टी अब राहुल गांधी की यात्रा की तैयारी में जुट गई है। दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कांग्रेस नेता कुछ भी कर ले, कुछ भी होने जाने वाला नहीं है। राहुल गांधी की यात्रा को लेकर हुई बैठक में कमलनाथ के जुड़ने के बाद कांग्रेस उत्साहित है। विवाद की बात पीछे छूट गई है। पार्टी को अब आगे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा नजर आ रही है। एक दिन पहले तक लड़खड़ा रही जुबान अब आत्मविश्वास से लबरेज है। 2 मार्च से मुरैना से भारत जोड़ो न्याय यात्रा चलेगी। 6 मार्च को मध्य प्रदेश के सेलाना के बाद, रतलाम सेलाना के बाद वो राजस्थान में प्रवेश करेगी। मैं मानता हूँ इसको लेकर सारे सीनियर नेता, जिसमें आदरणीय विवेक तनखा जी, आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय पचौरी जी, आदरणीय दिग्विजय सिंह। कमलनाथ भले ही बैठक में वर्चुअली जुड़े, लेकिन पार्टी कह रही है जो हुआ वो पीछे छूट चुका है। आगे लोकसभा की लड़ाई है, जिसे हम पूरी मजबूती से लड़ेंगे। राहुल गांधी की यात्रा से बदलाव की बयार जरूर बहेगी। उधर मीटिंग के अंदर कमलनाथ जी जूम द्वारे उन्हें अटेंड करी, मीटिंग के साथ साथ दिग्विजय सिंह जी, पचौरी जी और भी हमारे वरिष्ठ नेता है, विवेक तनखा साहब, उनने मीटिंग अटेंड करी है, उन्हें जो सुझाव दिए हैं, जो निर्देश दिए हैं, उसके तहत आज पूरा कार्यक्रम बन चुका है। कल तक कमलनाथ का नाम लेने में लड़खड़ा रही जुबान अब बीजेपी पर तंज कस रही है। जीतू पटवारी कह रहे हैं कमलनाथ का मसाला ना मीडिया को मिलेगा और ना बीजेपी को।
कमलनाथ जी ने भी सब जगह रहने का उसमें अपना वक्तव्य दिया है, अपनी संभावनाएं दी है। तो मैं मानता हूं कि अब मीडिया वालों के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके लिए वो मसाला ढूंढे। जैसे ही कमलनाथ का किस्सा थमा, पार्टी लोकसभा की लड़ाई की बात करने लगी। दूसरी तरफ सूबे की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार की याद दिला रही है। पार्टी कह रही है कांग्रेस कुछ भी कर ले, उसकी हालत पतली है, एमपी की सभी लोकसभा सीटें हम ही जीतेंगे। भारत जोड़ने का काम तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कर दिया था, 550 से ज्यादा रियासतों का विलीनीकरण करके इस देश को एक भारत बनाया। आज एक भारत श्रेष्ठ भारत के उस नारे को पूरा करने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। पूरा देश माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है। ये तो अब कांग्रेस जोड़ने की बात सोचे, उस तरफ जाए, निश्चित रूप से कांग्रेस की हालत और पतली होती जा रही है, पतली हालत, और उसमें भी मुझे लगता है उनको और खराब अवस्था और हो गई है। एक हफ्ते तक कांग्रेस में कमलनाथ को लेकर जारी सस्पेंस खत्म होने को है। पार्टी का पूरा ध्यान अब राहुल गांधी की यात्रा की तैयारी पर है। दूसरी तरफ कांग्रेस की स्थिति और अपनी तैयारी का हवाला देकर बीजेपी 29 सीटों से कुछ भी कम पर मानने को तैयार नहीं। शैलेंद्र भदौरिया, न्यूज 18 भोपाल। तो इस बीच क्या कुछ हुआ, कैसे कमलनाथ का मन बदला, या फिर क्या सब कुछ अभी भी ठीक है कांग्रेस में, यह बड़ा सवाल है। अब आपको समझाते हैं कि इन दिनों क्या कुछ हुआ है कमलनाथ और कांग्रेस के बीच। अब जो कुछ भी हुआ वो बता देते हैं। पहले तो छिंदवाड़ा दौरा छोड़ दिल्ली पहुंचे कमलनाथ, दिल्ली में उन्होंने बातचीत की और फिर साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि न्याय यात्रा को लेकर बातचीत की गई। कहा कि कोई भी फैसला लूंगा तो पहले बताऊंगा। कमलनाथ के बीजेपी में ज्वाइन होने की अटकलों को विराम यहां पर कमलनाथ ने ही दे दिया। कमलनाथ के घर पर जय श्री राम का झंडा भी लगा और कुछ इस तरह से जो पूरा मसला है सुलझता हुआ नजर आया। इसके अलावा दिल्ली स्थित घर पर कई बार झंडा लगा और उतरा, तो इससे यह कहा जा रहा था कि क्या पता बीजेपी में वो शामिल होने वाले हैं, लेकिन अब ऑल इज वेल है। कई समर्थक बोले जहां कमलनाथ वहां हम। इसके अलावा पार्टी के बैनर पोस्टर से कमलनाथ गायब हो गए थे, हालांकि कई मीटिंग्स भी वो वर्चुअली ही ज्वाइन कर रहे थे। कांग्रेस नेता बोले कि जिसे जहां जाना है जाए और कांग्रेस के दरवाजे खुले हुए हैं, ये भी कांग्रेस के नेता कहते हुए नजर आए। कमलनाथ पार्टी की बैठक में तो शामिल तो हुए, वो भी वर्चुअली जैसा कि हम बता रहे थे। बीजेपी में कमलनाथ के विरोध में आवाज उठने लगे कि कमलनाथ को लेकर सही माहौल नहीं दिखा। तो सज्जन वर्मा सिख दंगों की चर्चा तेज हो गई और ऐसे में धीरे धीरे हमने देखा कि तस्वीरें आगे बदलने लगी, तो कुछ इस तरह मामला सुलझता हुआ नजर आया। अब कांग्रेस को लेकर तमाम अटकलें हो रही थी और तमाम ऐसे सवाल खड़े होने लगे थे कि आखिर आगे क्या होगा। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मिशन 11 पर, महाभारत, बात छत्तीसगढ़ की हम कर रहे हैं। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, छत्तीसगढ़ की दोनों प्रमुख पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर वार किया, जिसके जवाब में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष किरण सिंह देव ने उन पर जवाबी हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चुनाव को लेकर अपना डर छिपाने के लिए बीजेपी को डरा हुआ बता रही है। ये पूरी रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तेज है, इस बीच बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। जुबानी जंग के जरिए आगामी लोकसभा चुनाव में बढ़त बनाने की कोशिश शुरू हो चुकी है। इसी कड़ी में पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर तंज कसा है। भूपेश बघेल ने कहा है कि लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी डरी सहमी है, कांग्रेस नेताओं को पार्टी में शामिल करवाने के फोन आ रहे हैं, उन्हें लालच दिया जा रहा है। मुझे भी उस दिन विधानसभा में एक विधायक ने बताया कि उनके पास भी उनसे मुलाकात की, उसे लोकसभा देने के और उसके बाद उसके सरकार बने तो फिर मंत्री बनाएंगे, इस प्रकार के बातें लगातार चल रही है। और इसका अर्थ ये है कि भारतीय जनता पार्टी डरी सहमी हुई है 2024 के इलेक्शन को लेकर। छत्तीसगढ़ की सत्ता से बेदखल हुई पार्टी की तरफ से जब वार हुआ तो आत्मविश्वास से लबरेज सत्ता पक्ष की तरफ से जवाबी हमला लाजमी था। बीजेपी की तरफ से जवाबी हमले का जिम्मा संभाला प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष किरण सिंह देव ने। उन्होंने बघेल के लालच देने वाले सवाल पर कहा कि उन्हें अपनी पार्टी के भीतर देखना चाहिए, बीजेपी ने लालच देने की कोशिश की है तो उसका खुलासा करें।
लालच देने का प्रश्न कहाँ उठता है। और सबसे बड़ी बात तो है कि अगर किसी प्रकार से कोई शंका संदेह है तो अपने संगठन में श्री भूपेश बघेल जी को देखना चाहिए कि ये स्थिति क्यों उत्पन्न हो रही है, क्यों पूरे देश में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का या नेताओं का अपने ही संगठन से मोह भंग हो रहा है। ये तो चिंता उनकी होनी चाहिए। और हमारे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर इस प्रकार का किसी प्रकार का प्रयास हुआ है तो उस पर खुलासा करना चाहिए। सत्ता के सबसे बड़े संग्राम के लिए अभी तो जुबानी जंग शुरू हुई है, जिसके आगे और तेज होने के पूरे आसार हैं। बहरहाल छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटों को लेकर बीजेपी कांग्रेस के बीच बढ़त बनाने की होड़ शुरू हो चुकी है। एक तरफ बीजेपी का मिशन 11 है तो दूसरी तरफ सूबे की सत्ता गंवा चुकी कांग्रेस की उलटफेर करने की उम्मीद। ममता लांजेवार के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज 18, रायपुर।